इंदौर में नाइट कल्चर के साइड इफेक्ट्स सामने आने लगे हैं। वहीं शहर के पब और बार में आए दिन होने वाली विवाद की घटनाओं को लेकर अब पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने मैदान संभाल लिया है। विवाद के बढ़ते मामलों और युवाओं की राह भटकने को लेकर ताई ने पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्र से मुलाकात की और महिला नेत्रियों की टीम बनाकर इंदौर को बदनाम करने वालों से निपटने का शंखनाद कर दिया। इसी पर देखिए एमपी न्यूज की ये खास रिपोर्ट। ताई ने इंदौर को बदनाम करने वालों को लेकर जताई नाराजगी। पब और बार में बंद हो युवाओं की आवारागर्दी। शहर में आए दिन सामने आ रहे वीडियो, पुलिस संभाले मैदान। ताई ने अपनी नई टीम बनाकर जताई चिंता। पुलिस कमिश्नर से लगाई कार्रवाई की गुहार। ताई की नई टीम में शोभा ओझा, अर्चना जायसवाल और जनक पलटा हैं शामिल। महिलाओं की टीम के साथ इंदौर के लिए ताई ने उठाई आवाज। शहर में दिनों दिन नाइट कल्चर की वजह से सामने आ रहे विवाद के वीडियो और आए दिन पब और बार में होने वाली छेड़छाड़ की घटनाओं को लेकर अब पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने मोर्चा संभाल लिया है। दरअसल शहर में हॉस्टल कल्चर और पब कल्चर के चलते आए दिन युवा अपनी सही राह भटक रहे हैं और इसी के चलते ताई ने चिंता जताई है और पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्र से मिलकर पब और बार कल्चर से शहर की बदनामी पर चिंता जाहिर की। स्वच्छता में हम लोग स्वच्छता में नंबर वन आ गए, लेकिन अब हमें सामाजिक स्वच्छता भी बहुत जरूरी। आपसे निवेदन करते हैं कि जरा समाज में ही कॉन्सेंट्रेट रखो, बाकी तो देखो समस्याएं अनेक है, रोज कुछ ना कुछ हो ही रहा है। मैं उसको भी आई कैन अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स। आपकी भी दिक्कतें हैं, कुछ दिक्कतें सॉल्व हो रही है। इस दौरान ताई के साथ कांग्रेस नेत्री शोभा ओझा, अर्चना जायसवाल और पद्मश्री जनक पलटा भी मौजूद थी। ताई ने अपनी नई टीम के साथ शहर के नाइट कल्चर को लेकर भी नाराजगी जाहिर की और पुलिस अधिकारियों से शहर के हालातों को लेकर खुलकर चर्चा की। इंदौर बहुत साल हो गए, जैसे एजुकेशनल हब तो बन गया, बहुत बढ़ता चला गया, तो इंदौर में बाहर से पढ़ने के लिए युवा भी आते हैं। मगर साथ ही साथ कुछ बातें जो समस्या हमारे सामने आई कि इंदौर में ड्रग्स का ये भी बढ़ता प्रभाव हो रहा है और युवा उसके चपेट में आ रहे हैं। पब जगह जगह हो रहे हैं, अब इसमें भी युवा जाते हैं। कई समस्याएं उसको लेकर के बढ़ी है। जगह जगह हॉस्टल खुले हैं, अब उस हॉस्टल में बच्चे रहते हैं मगर उन हॉस्टल पर कंट्रोल है कि नहीं है। कि जैसे कॉलेज का हॉस्टल हो तो थोड़ा तो नियम रहता है कि इतने बजे गेट बंद हो जाएगा, प्राइवेट हॉस्टल पे है कि नहीं। उन बच्चों पर माता पिता अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, वह यहाँ आके क्या हो रहा है, तो कैसे कंट्रोल रहे। दूसरी बात हमारा ये कहना था कि ये जो आजकल ओपन कर दिया कि भाई ठीक है, आईटी वालों की तकलीफ है या कॉल सेंटर वालों की रात को खाना चाहिए, इसलिए कुछ होटल्स को या किसी को इन्होंने ओपन रहने के लिए अनुमति दी। देने के बाद कंट्रोल किसका कि वही मिल रहा है ना, खाने के लिए ओपन किया है, पीने के लिए नहीं किया है। ऐसी कुछ बातें हैं। तो आज हमें ऐसा लगा कि हम जो सब आई है मिलने, मेरे साथ शोभा ओझा है, अर्चना है, ये शरय मारिया मारिया, जनक पलटा जी, ये हम चिंतित हो गए। दिव्या गुप्ता भी थी, अभी चली गई। तो हम थोड़ी पुलिस से, आईजी से और उनके सहयोगी से चर्चा करते आए थे कि इसका सोशली हल भी निकल सकता है क्या, कि एक बार बार हॉस्टल वालों की मीटिंग आप कर सकते हो, किस प्रकार से थोड़ा कड़ाई से क्या पालन हो सकता है हॉस्टल के नियमों का। एक नियम ऐसा था पहले कि आप किसी को किरायादार भी रखो तो पुलिस को इन्फॉर्मेशन देना पड़ती है, आज घर घर में पेइंग गेस्ट भी खुल गए। नीचे मैं रहूं, ऊपर 8 बच्चे स्कूल के रह रहे हैं, उन पर कंट्रोल है कि नहीं या उसकी पुलिस को जानकारी है कि नहीं। थोड़ा कॉलेज वालों को भी एक में जागरूक करना चाहिए। तो हम सोच रहे एक आध मीटिंग भी हो सकती है और इस पर कंट्रोल करना चाहिए, नहीं तो मेरा इंदौर बिगड़ेगा। ताई ने अपनी नई टीम में इंदौर शहर को लेकर विपक्षी दल की महिला नेत्रियों को शामिल किया ताकि शहर की महिलाओं की यह आवाज़ अंजाम तक पहुँच सके। देखिए, जिस तरह से इंदौर का माहौल
लगातार बिगड़ता जा रहा है। हम रोज पढ़ रहे हैं, रोज वीडियोस देख रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि जो युवा है वो कहीं ना कहीं शराब में, कहीं ड्रग्स में लिप्त है, और जिस तरह से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, पी के बच्चे गाड़ियां चला रहे हैं जिसमें लड़के लड़कियां सब शामिल हैं, तो उसको लेके एक चिंता थी कि जिस तरह से आज इंदौर में करीब 5 लाख बच्चा बाहर छोटे शहरों से पढ़ने आते हैं, और साथ में इंदौर का यूथ भी है, और जो पब हैं, शराब खाने हैं, वो रात भर चलते हैं, कोई पाबंदी नहीं उन पर, ड्रग्स खुलेआम बिक रही है, मतलब यहाँ तक कि पान की दुकानों में भी ड्रग्स बहुत इजीली अवेलेबल है, जो कि चिंता का विषय है। इससे पूरी युवा पीढ़ी बिगड़ रही है। हम उड़ता पंजाब के पद चिन्हों पर चल रहे हैं, जो कि चिंता का विषय है। हम इंदौर को हमने कभी ऐसा देखा नहीं है, न देखना चाहेंगे। आगे आने वाली पीढ़ी को हमें बचाना है। तो एक आज हम ताई के नेतृत्व में आए थे यहाँ मिलने के लिए, और कमिश्नर साहब से बात हुई है बहुत डिटेल में कि किस तरह से हम इस पर कंट्रोल कर सकते हैं। और ये जो 24 घंटे दुकानें खुली रखने का जो निर्णय हुआ था, उसको भी एक रिव्यू करना पड़ेगा कि उसके फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या है। अभी जो ऊपर ऊपर में देख रहे हैं तो नुकसान ही नुकसान दिख रहा है, फ़ायदा तो कहीं किसी का कोई नज़र नहीं आ रहा है। और साथ ही जो बच्चे बाहर से आ रहे हैं उन पर कोई पाबंदी नहीं है, वो कहीं प्राइवेट हॉस्टल्स में रह रहे हैं, घरों पर रह रहे हैं, आने जाने की उन पर कोई पाबंदी नहीं है, तो खुलेआम क्राइम बढ़ रहा है, प्रोस्टिट्यूशन बढ़ रहा है, ड्रग्स बढ़ रहे हैं, तो इन सब को लेके बहुत चिंता है। हम चाहते हैं कि बच्चे महफूज रहें, और ये कल्चर जो ये आज चल रहा है उससे इंदौर को निजात दिलाना। इंदौर शहर में जो बढ़ती संस्कृति हो रही है, जो हो रहा है, उसके जो हम देख रहे हैं ड्रग के कारण, शराब के कारण जिस तरह का माहौल इंदौर शहर में बन रहा है, उसको सुधारने के लिए कि कैसे इंदौर शहर को सुधार सकते हैं, आने वाली पीढ़ी को हम क्या देखे जाएंगे, ताई की ये चिंता थी। आज उसी कारण हम लोग कमिश्नर के पास आए थे उनको बोलने के कि ऐसी कुछ व्यवस्था आप करें कि जो बच्चे हमारे यहाँ बाहर से पढ़ने आए हैं वो ड्रग एडिक्ट ना हो, उनकी जीवन की सुरक्षा हो, वो ज़्यादा उनके ऊपर जो जिस तरह के अपराध, संगीन अपराध हो रहे हैं, वो अपराध भी रुके, और पब हैं और इस तरह के जो चीज़ें वो एक टाइम पीरियड पे वो बंद किए जाएँ उन, और जो हॉस्टल हैं जहाँ बच्चे रह रहे हैं उनको भी चिंता की जाए कि उन उन, उन जो बाहर से पेरेंट्स भेज रहे हैं तो उन बच्चों की सुरक्षा हम इंदौर वाले कर पा रहे हैं कि नहीं। जबकि पद्मश्री जनक पलटा ने शहर के डांस बार में दिनों दिन हो रहे विवादों को संस्कृति से खिलवाड़ बताया, और पुलिस से कार्रवाई को लेकर ठोस रवैया अपनाने की मांग की। हम लोग आज इसी उद्देश्य से आए थे कि कुछ समय से बहुत ज़्यादा युवाओं के बीच में जो भ्रष्ट बुद्धि हो रही है, और सारा उनका बिहेवियर, उनका कंडक्ट, और कुछ सुसाइड हो रहे हैं, कुछ मेंटल उनकी हेल्थ ऐसा लगता है, कैरेक्टर को लेके जो उनका सारी चरित्र है, आचरण है, तो उसमें थोड़ा ऐसा लग रहा है कि वो जो बच्चे बाहर से आए हैं या यहाँ वाले भी बहुत हैं, और केवल लड़कों की बात नहीं है, लड़कियों की भी है, सभी युवाओं का। हम ये चाहते हैं कि ये शहर माँ देवी अहिल्या का वो शहर है, शहर का पूरी दुनिया में नाम है। 6 बार हम शहर की सड़कों की सफाई में, स्वच्छता में नंबर 1 है। अब हम ये चाहते हैं कि इंदौर का नाम किसी ऐसी बात में ना आए जिसमें इंदौर की गरिमा को दाग लगे, तो हम उस बात पे चिंतित हैं, उसके लिए आए हैं। और हम ये भी ऑफर कर रहे हैं कि हमारे से बताइए आपको कहाँ समाज की ज़रूरत है, हम आपके साथ हैं। तो हम बहुत भरोसा करते हैं हमारे सारे पुलिस ऑफिसर्स पर, हम लोग भी साथ हैं उनके सहयोग करने के लिए। हाँ, आज कमिश्नर साहब के यहाँ बैठक थी, उसमें सभी गणमान्य महिला नेत्रियाँ आई थी, और उसमें उन्होंने जो शहर में महिलाओं से संबंधित या जो हॉस्टल से संबंधित या रात में जो मूवमेंट हो रहे हैं या ड्रग्स के संबंध में या नशाखोरी के संबंध में कुछ सुझाव दिए थे, बहुत अच्छे सुझाव थे, और वो निश्चित तौर से इंदौर के लिए, पुलिस के लिए भी बड़े फ़ायदेमंद होंगे। तो उसको हम लोगों ने नोट किया है, और कमिश्नर साहब ने जो है इसमें एक रणनीति तैयार की है, और इस पर हम लोग अमल करेंगे, और उसमें जितना अच्छे रिज़ल्ट आ सकते हैं प्रयास करेंगे कि अच्छे से अच्छे रिज़ल्ट आएँ। इसमें हम लोग जो हैं थोड़ा चेकिंग और बढ़ाएंगे, और प्रयास करेंगे कि इस टाइप से रात में यदि कोई मिलते हैं तो इनके परिवार के सदस्यों को जो है सूचित किया जाए, या इनके परिवार से ही इनकी बात कराएंगे कि रात में 11 बजे 12 बजे घूम रहे हैं,
तो वो क्या निर्देश माँ बाप बच्चों को देते हैं वो भी हम प्रयास करेंगे। साथ ही जो है ये जिन कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जिन कोचिंग क्लासेस में ये जा रहे हैं, उन कोचिंग क्लास वालों से, कॉलेजों से भी इनकी सूची लेंगे कि कहाँ हॉस्टल में रह रहे हैं, यदि प्राइवेट गेस्ट हाउस में रह रहे हैं तो उनकी जानकारी हमको दें, संबंधित थानों को दें, जिससे जो है वो कॉलेज भी उनको वॉच कर सके और संबंधित थाने पे भी वॉच हो सके, और साथ में जो है वो थोड़ा सा समझाने का प्रयास करेंगे। ये हमारा मेन मकसद रहेगा क्योंकि सभी युवा हैं और युवाओं को जो है वो समझाने का हम प्रयास करेंगे। इसमें कमिश्नर साहब ने एक बैठक भी बुलाई है और हम लोगों की जो है सभी अधिकारियों की भी बैठक है। इसके अलावा हॉस्टल्स की और कॉलेजेस की और इनसे संबंधित जो भी एक व्यू रचना हम लोग तैयार कर रहे हैं, उसमें कमिश्नर साहब एक बैठक रखे हैं और उसमें हम लोग सब तैयारी कर रहे हैं। कुल मिलाकर ताई ने अब शहर के बिगड़ैल युवाओं को सुधारने के लिए मैदान संभाल लिया है और महिलाओं की टीम बनाकर नाइट कल्चर से लेकर पब और बार कल्चर पर सख्ती का डंडा चलाने के लिए मुखरता दिखाई है। अब देखना ये लाजमी होगा कि ये ताई का मोर्चा कितना असर डाल पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।